बहुत ही मुतबिर मजमा है। मैं काफ़ी घबराई हुई हूँ, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं और आज एक कॉमरेड की सालगिरह है। कुछ खुशी, कुछ सोच। अभी अभी मैं उठकर आ रही हूँ आर्ट्स काउंसिल हॉल नंबर 3 से, जहाँ बहुत से तो नहीं लेकिन कुछ पंजाबी बैठे हुए हैं, फिक्रमंदी से माथे पे हाथ रख के पंजाब को तकसीम किया जा रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। यानी कुछ करने के लिए नहीं कहा, ये कहा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, मगर एक लंबी चौड़ी करारदाद मंजूर हो गई। मैं भी अपना हाथ उठा के आ रही हूँ कि हम पंजाब को तकसीम होने नहीं देंगे। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि तकसीम तो नहीं होने देंगे लेकिन ख़त्म होने देंगे। जब किसी ज़मीन की ज़बान ही ना रहे, जब कोई ज़मीन अपनी सिविलाइजेशन को, जो बहुत बड़ी भी हो, ओल्ड भी हो, उसको डिफाइन ना कर सके अपने लफ्ज़ों में, अपनी बोली में, तो वो ज़मीन, उसका होना, बचना, रहना, डिवाइड होना, उसके क्या माने हैं। तो आज यहाँ मैं भागीवा की वहाँ से आई हूँ। मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती, कभी मिली भी नहीं। उस ज़माने में जब आप लोग यहाँ धूमे मचा रहे थे तो मैं बलूचिस्तान में थी, एक बैकवर्ड एरिया इलाका, जिसको अभी भी आप लोग ऐसे ही समझते हो। तो वहाँ पर, मगर ऐसे भी बेखबरे हम नहीं थे, हमारे उस्ताद थे जो हमें किताबों की निशानदेही करते थे, ये पढ़ो और इनकलाब क्या होता है, सोवियत यूनियन में क्या हो रहा है, यहाँ क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आज इतने अरसे के बाद इस सूरत हाल में जब सोचना चाहो तो कोई अच्छी मजबूत हतमी बात कहने के लिए मेरे पास नहीं होती। एक ज़माना था कि स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो शायद कुछ ना कुछ मैं आगे वाले ज़माने के लिए कहा करती थी और उम्मीद दिलाया करती थी। तो अब तो मेरा कोई स्टूडेंट भी नहीं है। बस इतने से लफ्ज़ मैंने लिखे कि बर्रे सगीर हिंदुस्तान एक बड़ी और बहुत पुरानी दुनिया रही। उसकी तारीख में ग़ुलामी की लंबी लंबी सदियां चलती हैं। आर्यों से लेकर अंग्रेज़ों तक बैरूनी हमलावर और फिर हमलावरों की कतारें और लुटेरे और लश्करी आते रहे, अवाम को लूटते रहे और ग़ुलामी के अदवार चलते रहे। सदियों पे सदियां गुजरी, अवाम ने ग़ुलामी के ग़ुलामों के खिताब पाए, तावान भरे और लगान दिए, मगर निजात के लिए जद्दोजहद का तसव्वुर सिर्फ 20वीं सदी में जाके जागा। वो मार्क्सिस्ट नज़रिया इनकलाब था, सोवियत यूनियन का क़याम हुआ, अजीम लीडरशिप उभरी, अजीमुल शान लिटरेचर लिखा गया। वो अफकार किस कदर इनकलाबी थे, वो रोशनी किस कदर ताज़ा और साफ थी कि सारी दुनिया को नई सवेर का गुमान हुआ। अवाम की आज़ादी का इतना वसी और मुकम्मल तसव्वुर कभी पहले जागा नहीं था, हालांकि युग युग से लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ते आ रहे हैं, मगर एक ग़ुलामी से बचकर दूसरी के चुंगल में फंस जाते रहे। सो हिंदुस्तान, जहां साम्राज्य से लेकर सरमायादारी, जागीरदारी, ब्रह्मनिज़्म, मुल्लायत, ज़ात पात, जहालत और तोहमात, जाने कितनी बलाओं का नज़ूल था, कैसी कैसी गिरफ्त रही, मगर आज़ादी की चाह,
एक तवील वारीस जद्दोजहद की तरफ ले गई। बहुत सारी तहरीकें थीं, बहुत सारे काले पानी थे और फांसी घाट वो भी बहुत सारे थे। जैसी पार्टियां बनाई कि जिनकी सियासत ऊपर, मगर ताहम गांधीज़म भी था और ख़ुद अंग्रेज़ों ने कांग्रेस मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां बनाई कि जिनकी सियासत ऊपरे तबकात को अनाने अख्तियार देकर अवाम को उसी तरह ग़ुलाम छोड़ दे जैसे कि वो सदियों से हैं। 1947 में मुल्क को तकसीम भी कर दिया, मज़हब के नाम पर अवाम को एक और ग़ुलामी मिली, मगर सबसे बड़ा नुकसान अवाम का ये हुआ कि वो सारे प्रोग्रेसिव और इनकलाबी तहरीकें ख़त्म हो गईं या कमज़ोर हो गईं। मंजिल उनको मिली जो शरीक सफ़र न थे, अंग्रेज़ों के दोस्त और वफादार और साम्राज्यत के साए तले महफूज रहने वाले अब हुक्मरान और हाकम आला बन गए थे। ताहम फ़र्क था, पाकिस्तान और भारत में फ़र्क था। वहाँ इनकलाबी फोर्सेस की सारी सफाई उस तरीके से हुई जिस तरह गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी करवाई थी। यहाँ सब कुछ उस तरीके से हुआ जिस तरह हसन नासर को मारा गया था। ताहम ये मानना पड़ेगा कि शुरू में पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव सोच और इनकलाबी तहरीक की सुर्खी झलकी थी और वो आवाज़ चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तहरीक बड़े शहरों और मतवसत तबकों के तलबा दानिश्वरों तक महदूद रही और बड़ी आसानी से समेट दी गई, लेकिन फिर भी कुछ जुगनू कुछ तारे टिमटिमाते रहे। कुछ अदब लिखा गया, कुछ जर्नलिज्म हुआ, अवामी जमहूरियत का एक तसव्वुर भी बना, मगर जर्नैल शाही, मुल्ला शाही, जागीरदारी, मोनोपोली, स्मगलिंग और जिहादी आंधियों ने सब कुछ उड़ाकर रख दिया। इनकलाब तो क्या, मामूली और सादा सी जमहूरियत भी ना टिक सकी। बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है अवाम को। क्या वो आज़ादी थी? आज क्या है? कुछ बूढ़े लोग, कुछ बूढ़ी यादें। अवाम की निजात का रास्ता तो बना ही नहीं। सदी गुजर गई, 20वीं सदी जंगों आज़ादियों इनकलाबों की सदी थी। अफसोस के इसी सदी में साम्राज्य फिर से ताकत पकड़ गया, मगर बर्रे सगीर के अवाम को आज़ादी का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में करोड़ों करोड़ों किसान मजदूर और दबे कुचले अवाम वो रोशनी देखे बगैर ही रह जाएंगे और रह चुके। आज कैसे बताएं और कौन बताए कि दुनिया बदल सकती है? कौन मानेगा? समाज बदल सकता है, जुल्म की रात ढल सकती है, इसका फलसफा है, फार्मूला है और तारीख भी है। तारीख तो बोलती है, सदियों की कहानी सुनाती है, शायद के नए बच्चों को पुरानी कहानी में दिलचस्पी हो। हमें जद्दोजहद की कहानियाँ लिखते रहना चाहिए, हमें कामरेडों को याद करते रहना चाहिए। ये भी एक जद्दोजहद है कि जद्दोजहद करने वाले आइडियल रह जाएं। थैंक यू वेरी मच।